इसकी क्या लागत है? लगभग ये लागत है 35 लाख, 35 लाख रुपए का राउंड है। तीन रावण, तीन रावण। मोदी जी आएंगे यहाँ, मोदी जी आएंगे। हाँ देखो भाई देखो, हम इसके जस्ट पीछे आ गए हैं। इससे बड़ा राउंड भी बना नहीं अभी तक, इससे बड़ा राउंड नहीं बना। तो इसको बनाने की कितनी मतलब कितनी लागत आई? 11 फुट है, 211 फुट है। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर हम लोग ना देखते हैं वीडियो में कहीं कहीं लाइटिंग वेटिंग भी लगी हुई है, तो लाइटिंग वेटिंग भी लगा रखी है। तो ये जब मतलब डेट आ जाएगी करीब तो लाइट हटा देंगे? नहीं, लाइट ऐसी रहेगी। ऐसी रहेगी। अच्छा। तो हेलो, जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी का? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस देखो भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा रावण हमारे सामने खड़ा है भाई। द्वारका, द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला चल रही है, देख सकते हो सामने रामलीला भी चल रही है भाई साहब। और एक्चुअल में जो कहते हैं ना भाई साहब, जो सच में रावण होता है, रावण रावण है भाई साहब, ये सच में रावण है। 35 लाख रुपए की इसकी कीमत है भाई साहब। ये द्वारका सेक्टर 10 के अंदर लगा हुआ है, ये एमएक्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और भाई चलते हैं, इसको सामने से दिखाते हैं कि इसके पाई पैर कैसे हैं और एक्चुअल में भाई इसका जो साइज है वो कितना बड़ा है। A few moments later. तो सोच रहे होगे भाई साहब, इतने बड़े रावण का लोग करते क्या होंगे भाई साहब। इसके अंदर ना सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विदाउट फायरवर्क बना हुआ है। इसके अंदर कोई पटाखे वगैरह यूज नहीं करे जाएंगे, ये विदाउट मतलब बिना पटाखे के ही चलाया जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो 35 लाख रुपए बताई जा रही है भाई साहब। 35 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है और ये वाकई में 35 लाख रुपए की कॉस्ट से तैयार। तो देखो देखो कितना बड़ा रावण है, विशाल रावण जिसे कहते हैं ना, रावण वो रावण ही भाई साहब सच में। ये इसके पैर देखो, और एक्चुअल में भाई साहब ये क्रेन से उठाया गया है और इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लोहे की इसकी रस्सी बांधी गई है चारों तरफ से खड़ा रहने के लिए। देखो देखो, ये तो भाई साहब रावण के पैर हैं। ये सिर्फ भाई मेरे को लग रहा है सिर्फ सारे कपड़ों से बनाया गया है रावण का। देखो तो ये रावण कहाँ देखने को मिलेगा? ये भाई सब देखने को मिलेगा दशहरे वाले दिन, सेक्टर 10 द्वारका और मैक्स हॉस्पिटल के जस्ट बगल में भाई साहब ये रावण है। और इतना अद्भुत रावण है भाई साहब, आप देख भी सकते हो कि यार कितना तगड़ा लग रहा है ना देखने में, देख लो कितना तगड़ा लग रहा है। और फिर चार रस्सी बनी है भाई, लोहे की रस्सी बनी है इसके इनको रोकने के लिए। देखो चलते भाई साहब उन गार्ड भाई से पूछते हैं इसकी क्या कीमत है, क्या इनको क्या इसको तैयार करने में लगेगा, इसका भाई भी अभी तैयार होगा या नहीं होगा। चलो चलते हैं भाई। इसका पैर, पैर देखो सारे कपड़ों से तैयार किया हुआ पैर और विदाउट एनी फायरवर्क्स। अभी हमारे साथ जो भैया हैं जिन्होंने भाई साहब ये सबसे बड़ा जो रावण बनाया जो द्वारका के सेक्टर 10 के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा रावण है इसको कहा जाता है एक्चुअल में। इससे बड़ा रावण कोई बना नहीं है अभी तक, इससे बड़ा रावण नहीं बना। तो इसको बनाने की कितनी मतलब कितनी लागत आई और कितना टाइम लग गया इसको बनाने में? इसको बनाने में 2 महीने लगे हैं। 2 महीने लगे हैं। और मतलब लागत वागत कितनी है ये पता होगा आपको? ठेकेदारी बता सकता है। और इसमें अंदर कितने कितने तरीके के वो लगे हैं, पटाखे वटाखे भी लगेंगे इसके? पटाखे लगेंगे लगेंगे लगेंगे। अच्छा अच्छा। और भैया जैसे इसका जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? दो सौ ग्यारह फुट है। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर हम लोग ना देखते हैं वीडियो में कहीं कहीं लाइटिंग वेटिंग भी लगी हुई है, तो लाइटिंग वेटिंग भी लगा रखी है। तो ये जब मतलब डेट आ जाएगी करीब तो लाइट हटा देंगे? नहीं, लाइट ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। देखो ये अभी अभी कौन से राउंड बना रहे हो? ये मेघनाथ कुंभकर्ण, मेघनाथ कुंभकर्ण दिखा दो भाई साहब। ये देखो मेघनाथ और कुंभकर्ण बन रहे हैं और यहीं पे बनाए जाते हैं, कहीं से आते नहीं है ये। चलो थैंक यू सो मच भैया अपना समय देने के लिए। तो भाई अभी देख सकते हो सामने भाई साहब, ये है मेघनाथ और ये है कुंभकर्ण, दोनों भाई साहब तैयार हो चुके हैं, दोनों के पैर भी तैयार हो चुके हैं और सामने उनके फेस बन रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात यह है ना, दिखाओ इधर दिखाओ, सबसे बड़ी बात यह भाई साहब जो ज़्यादा मेहनत लगती है ना वो सब चीज़ इनको बनाने में लगती है और ये लोग भैया सारे मिलके मेहनत करते हैं सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो अभी चलते हैं भाई साहब सामने।
जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे काम करते कारीगर है, जो मतलब इसके मालिक तरीके के मानो हुए वो हैं, और उसके बारे में रावण के बारे में जानकारी देंगे थोड़ी सी। तो भैया रावण कितने का तैयार हुआ भाई? लगभग 6 महीना लग गया भाई। 6 महीने लग गया भाई। क्या लागत है? लगभग ये लागत है 35 लाख। 35 लाख रुपए का रावण? 3 रावण। 3 रावण टोटल, 3 रावण के मतलब पूरी कॉस्ट है 35 लाख रुपए। अच्छा जी, ये जो रामलीला हो रही है बिल्कुल कैसी हो रही है? मतलब ऐसी रामलीला तो पहली बार मैंने देखी है। ऐसी रामलीला आपको दिल्ली में एक नंबर पर है। मोदी जी आएंगे यहाँ। मोदी जी आएंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब सबसे बड़ी रामलीला इसको कहा जाएगा। क्या लागत है इसकी? लागत बहुत है, इसमें कमेटी सिस्टम चलते हैं। कमेटी सिस्टम चलता है। थैंक यू सो मच। तो भाई अभी लोगों ने, भैया देखो काफी बिजी हैं, और भाई सब यहाँ पे कह रहे हैं मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। भाई सब और द्वारका रामलीला सोसाइटी कहा जाता है इसको, और पीछे देख सकते हो हमारे, तो भाई सब देख सकते हो सामने भाई साहब हमारी रामलीला सोसाइटी है, पूरी द्वारका रामलीला सोसाइटी। यहाँ पे वो श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे कार्यालय भी बना हुआ है, यहाँ पे कमेटी वाले बैठते हैं, और बहुत ही तगड़ी समझ लो चीज़ बनी हुई है। और आप लोग आ सकते हैं द्वारका सेक्टर 10 में नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, बस द्वारका सेक्टर 10। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं जाएगा, फॉलो करो। तो गाइस अभी फिलहाल भाई साहब मैं आया था कहीं बाहर, और अभी ये आपको क्लिप देखने के लिए मिल रही है। तो स्पेशल भाई साहब, भाई कह रहा मेरे को ब्लॉग में ले लो। क्या नाम है तेरा? मयंक। मयंक और भाई, मयंक भाई हैं अपने, तो आ गया ब्लॉग में। ठीक है, पक्का? बढ़िया। इंस्टाग्राम आई डी बता देना, जरूर फॉलो, जरूर भाई फॉलो कर लेना भाई को। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद। बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।